ये वर्कआउट के लिए आपको क्या चाहिए स्टार्टिंग से बोल देता हूँ। 5 kg के 2 dumbbells, 10 kg के 2 dumbbells। बिगिनर शोल्डर सीरीज़ का ये 4th वीडियो है। पहला 3 वीडियो देखें, फिर इस वीडियो को देखें, फिर आपको ये रिलेवेंट लगेगा। हमने एक प्रेसिंग मूवमेंट कर लिया, रेज मैंने दोनों कर लिए। पुल वाला मूवमेंट 2 हो गया, पुश वाला मूवमेंट 1 हो गया। पहला वाला था पुश, बाकी 2 था पुल वाला मूवमेंट। पुल वाला मूवमेंट में हम लोगों ने साइड और फ्रंट को टारगेट किया, पुश मूवमेंट में भी फ्रंट और साइड को टारगेट किया। बट रियर डेल्ट जो होता है ना, रियर डेल्ट बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि रियर डेल्ट होता क्या है। मैं आपको दिखाता हूँ, मुझे भी बहुत दिन तक पता नहीं था रियर डेल्ट क्या होता है। ये देखो, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट देख रहे हो शोल्डर के पूरा पीछे वाला पार्ट, ये होता है आपका रियर डेल्ट। अब क्या होता है, पीछे रह जाता है, बहुत लोगों को दिखता नहीं है, तो मिरर मसल्स बोलते हैं ना, जो मिरर में जो जो मसल्स दिखते हैं ये उनमें से नहीं आता क्योंकि पीछे रह जाता है। बहुत लोग नेगलेक्ट करते हैं, फ्रंट बहुत अच्छा होगा, मिडल हेड बहुत अच्छा होगा, लेकिन शोल्डर में आपको राउंड नहीं दिखेगा शोल्डर, क्यों, पीछे वाला पार्ट है नहीं। तो पीछे वाला पार्ट को टारगेट करना है, बहुत छोटा सा मसल ग्रुप है, आपको बहुत हैवी वेट नहीं लेना है। क्योंकि अगर पीछे वाला पार्ट को टारगेट करने के लिए आप बहुत हैवी वेट लोगे तो आपका बैक का जो ट्रैप है, ये जो मसल्स होता है ना, ये ऊपर वाला मसल, वो डोमिनेट कर लेगा क्योंकि वो बड़ा मसल है। बहुत हैवी वेट ले लोगे फिर वो छोटा मसल टारगेट होने लगेगा, बाकी सारे मसल्स टारगेट होंगे, बस वही रह जाएँ। तो आपको कम वेट लेना है। कितना कम लेना है मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये मैं 5 kg में कर रहा हूँ और ये 5 kg भी मुझे बहुत हैवी लगता है। अगर आपको रियर डेल्ट प्रॉपरली टारगेट करना आता हो तो आपको 5 kg ग्रैप करने हैं, नीचे से झुक जाना है, आप थोड़ा ऐसे इस पोजिशन में होना है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं, शोल्डर के हर एक्सरसाइज में आपको शोल्डर रिट्रैक्ट करना है थोड़ा सा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, किक करना है साइड में, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे, मैं एक हैंड में आपको करके दिखाता हूँ, शोल्डर का रियर पार्ट वो आ रहा है। बट इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत क्या है, आपको मैंने क्या बोला, 5 kg का एक पैर रखना है आपको, 10 kg का एक पैर रखना है। 5 kg अगर बिगिनर कोई है ये सही से कर नहीं पाएगा क्योंकि उसके लिए हैवी होगा, उसके लिए 2.5 kg चाहिए होगा। अगर आपके पास 5 से छोटा डंबल है आप कर सकते हो, अदरवाइज़ अगर आपके पास जैसे कि मैंने बोला कि 2 ही पैर डंबल्स चाहिए आपको, 5 kg का एक डंबल एक पैर और 10 kg का एक पैर, देन इसी मूवमेंट को आप अलग तरीके से परफॉर्म कर सकते हो अगर आपके लिए हैवी हो रहा है तो, वही 5 kg में। ये देखो, पहले मैं क्या कर रहा था, मैं फ्लाई जैसा कर रहा था, रिवर्स फ्लाई टाइप का, ये वाला देखो ऐसा कर रहा था। अब भी अगर ये आपको हेवी लग रहा है तो आप प्रेस टाइप का मूवमेंट कर सकते हो, ये देखो इसमें भी आपका रियर डेल्ट आ रहा है, देखो शोल्डर का नीचे वाला पीछे वाला पार्ट वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन ये मूवमेंट, इस वाले मूवमेंट आपको थोड़ा ईजी पड़ेगा। तो मैं आपको समराइज कर रहा हूँ, रियर डेल्ट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें आपको वेट ज़्यादा नहीं लेना है। जैसे कि मैंने बोला था 5 kg आपके लिए अगर थोड़ा हैवी हो रहा है, आप जो मैंने पानी का बोतल है, 2 पानी का बोतल लेके 2 kg हो गया उसमें आप ट्राई कर सकते हो, 2.5 kg के आसपास डंबल से ईजी रहेगा। तो 2.5 kg डंबल नहीं है तो पानी का बोतल ले लेना, 2 लीटर वाला पानी का बोतल, तो उसमें पानी भर देना, तो 2-2 kg का हो गया वो। या फिर जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया सेकेंड कि अगर भारी हो रहा है 5 kg तो उसमें आपको रियर डेल्ट कैसे करना है, वैसे करना है आपको। इसमें भी आपको 4 सेट्स करने हैं, 15-20 रिपीटेशन मिनिमम 15 करना है।